अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्क के अंदर और ये पार्क है बागे इब्ने कासिम। ये पार्क क्लिफ्टन बीच कराची के करीब वाकया है और कराची का सबसे बड़ा शहरी पार्क है। जो 130 एकड़ यानी के 2 और 0.53 किलोमीटर पर मोहित है। शुमाली किनारा जहांगीर कोठारी परेड से शुरू होता है और बहरे अरब के साहिल के करीब ख़त्म होता है। शाहराए फिरदौसी पर 3 दर्जे का एक बड़ा चौराहा नेज 62 मंजिल बहरिया आइकन टावर के लिए मबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्ज़ा करने से पार्क का माहौल मज़ीद ख़राब हुआ और होता जा रहा है। जहांगीर कोठारी परेड जो 1919 में बनाई गई थी नेज कैट्रिक बैंड स्टैंड पर मुश्तमिल है। लेडी लाइट पेयर जो 1921 में तामीर किया गया था जो आज शाहराए फरदोसी से लेकर साहिल की वाटर लाइन तक फैला हुआ है। जो आज पार्क बना हुआ है, 2 तारीखी चश्मे पार्क के अंदर मौजूद हैं और वाकया हैं। 1936 से पेरोज बाई हर्म्स जी खजूरीना चश्मा ये एक नाम है और 1936 से मोटोमल शिवराम सेटपाल फवारा इस पार्क में शामिल हैं। जो पहले रूप चंद बलाराम पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका साइज तकरीबन 400 एकड़ यानी कि 160 हेक्टर था, 1964 में कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी KMC ने तरक्की के लिए ज़मीन लीज पर देने के बाद पार्क का साइज 132 एकड़ कर दिया। ۱۹۶۶ में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पार्क का कंट्रोल संभाल लिया और 1974 में पार्क में कई ढांचे की तज़ईन आराइश की। इस वक्त मशरिक की समंदरी दीवार बनाई गई थी जो पार्क के जनूबी किनारे से मज़ीद पीछे हटने वाली साहली पट्टी की तरफ जाता है। जहांगीर कोठारी परेड, कैट्रिक बैंड स्टैंड, लेडी लाइट पेयर और 2 चश्मों को 1994 में सिंध सकाफती विरसा तहफ़ुज एक्ट के ज़रिए महफूज किया गया था। बाद के बरसों में ये इलाका बतदरीज जवाल का शिकार हो गया क्योंकि बेदरपे हुकूमतों ने इस साइट को बरकरार रखने में नज़रअंदाज किया।
और 2001 तक बंजर था ये, और उसे वर्चुअल बंजर ज़मीन समझा जाता था। नए पार्क की तामीर 22 जुलाई 2005 को शुरू हुई। इस पार्क को रस्मी तौर पर इस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 27 फरवरी 2007 को 600 मिलियन रुपए की लागत से खोला था। और इसका नाम 8वीं सदी के अरब फातिहा अमवी सल्तनत के मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया था। पार्क ने तेज़ी से मकबूलियत हासिल की और मुख्तलिफ तकरीबात का मुकाम बन गया। 2015 तक पार्क दोबारा देखभाल ना होने की वजह से बोसीदा होने लगा। अप्रैल 2017 में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पार्क की दोबारा तजवीन व आराइश की और इस पार्क को 30 मार्च 2019 को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दोबारा खोल दिया। अक्टूबर 2019 में पार्क ने कराची बेनाल के इफ्तिताह की मेज़बानी की। अच्छा, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं कि ये पार्क बहरे अरब के साहिल के करीब 130 एकड़ 53 हेक्टर पर फैला हुआ है। पार्क के शुमाली किनारे में 1919 जहांगीर कोठारी परेड कैटरिक बैंड स्टैंड और साबिक कराची एक्वेरियम शामिल हैं। 1921 लेडी लाइट पेयर जहांगीर कोठारी परेड के करीब पार्क के शुमाली किनारे से शुरू होता है और पार्क में 600 फुट यानी के 180 मीटर तक फैला हुआ है। इस पार्क में किचवे का तालाब, डायनासोर के दीवार, 24 वॉशरूम, एक मस्जिद, 20 पत्थर की छतरी और एक बड़ा गुलाब का बाग है। ये कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी के 90 मीटर यानी के 300 फुट पोर्ट फाउंटेन को भी देखता है। ये आज की थी सूरत हाल इस पार्क की और ये इस पार्क की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।